विदेशी कंपनी देखी सब बाप रे बाप, भारत से बड़का बाजार कहियो नहीं है, ये मेला है मेला, लगाओ कहियो जलेबी छानो बिकबे करेगा। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरा छूट दे दिया किसको, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने कहा बीच में टांग मत लड़ाइएगा, कहा कि टांग बचले कहां बाबू। हालांकि 1991 में वित्तीय आपात लगाने की स्थिति आ गई थी, हमारे पास महज 15 दिन तक सामान खरीदने के पैसे थे, 15 दिन का सामान खरीदने का पैसा था, समझ में आ गया। जब तक डिसीजन लिया जाए क्या करना है क्या करना है, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, पैसा बचा 12 दिन का, यानी डिसीजन लेने के टाइम पे पैसा कितने दिन का बचा, आप 15 दिन मानिए कि सरकार को जब आभास हुआ तो कितने दिन का, 15। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, वो उस गिद्ध की तरफ बैठे थे जो एक कमजोर लाश के किनारे बैठता है कि अब ये दम तोड़ेगा तो नोच के खाएंगे, समझ में आ गया। हम लोग के साइड साइड में सब मंडरा रहा था, भारत आ जाओ यहाँ पे। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कमान संभाला लिक्विड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने घोषणा किया कि देखिए हम लोग आजादी के बाद किसी विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिए हैं, हमारे यहाँ आज भी लोग मंजन से मुंह धुलते हैं, कोलगेट कंपनी पेस्ट लाओ चलेगा, आज भी हम लोग बाल में सरसों तेल लगाते हैं, लाओ एलमंड ये वो दुनिया भर का चलेगा, ब्यूटी से हम लोग आज भी घड़ी साबुन से नहाते हैं, ले आओ मतलब एक्सल वगैरह और दुनिया लाओ। विदेशी कंपनी देखी सब बाप रे बाप, भारत से बड़का बाजार कहियो नहीं है, ये मेला है मेला, लगाओ कहियो जलेबी छानो बिकबे करेगा। समझ में आ गया, मेला में क्या होता है, मेला वहीं चलता है जहां पे वो चीज अवेलेबल नहीं रहे। तनी पटना में कोई मेला लगा के देखे, अरे वहां कौन सा चीज मेला में बिकता है जो यहाँ डेली ना बिके, कोई जाएगा मेला में, लेकिन गांव में मेला सक्सेस हो जाता है क्योंकि वहां जरूरत की चीजों को लेने के लिए दो चार किलोमीटर दूर जाना होता है, अब मेला में एक के बार मिल जाता है। तो देख लिया सर भारत हो गया है मेला, पूरी दुनिया की कंपनी आ गई, कार बनाने वाली, बस बनाने वाली, मोटरसाइकिल बनाने वाली, मोबाइल कंपनी ये वो, कॉस्मेटिक की हिंदुस्तान यूनिलीवर घुस गई, हर चीज बनाने लगी, नेल पॉलिश से रंगने से लेकर ठोड़ रंगनी से लेकर सब चीजें, ठोड़ रंगने वाला बहुत महंगा मिलता है, 50 रुपया, 400 का, चार सौ रुपये का मिले में तो आदमी कितना दिन, चलो मिलता होगा। तो विदेशी कंपनियां भारत में आ गई, जैसे विदेशी कंपनी आई, अच्छा एक बात बताइए, आपका बहुत बड़ा मकान है ठीक है, आपका खेत तो है खूब ज्यादा, गरीबी एकदम भयानक है, क्या किया जाए यार, गरीबी पड़ गया, तब तक पता चला आपके घर के पास कॉमनवेल्थ ओलंपिक गेम होने वाला है, ले सारी कंपनियां आएंगी सब, या हमको भाड़ा पे दे दीजिए अपना खेत, हम यहाँ होटल बनाएंगे, लाइए पैसा लाइए, या हम दुकान खोलेंगे, लाइए पैसा लाइए, हम या हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पैसा लाइए, सड़क बनाएंगे, पैसा लाइए, आप गरीब रहेंगे। यही हुआ 1991 में, हम लोग लगाने वाले थे वित्तीय आपात, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुला छूट दे दिया किसको, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने कहा बीच में टांग मत लड़ाइएगा, कहा कि टांग बचले कहां बाबू। आपको जो करना है करिए, मनमोहन सिंह ने पूल कमान संभाला, और जब जो देश जिसके पास महज 15 दिन तक सामान खरीदने का पैसा था, मनमोहन सिंह ने सुधारा, बाद में प्रधानमंत्री बने, और जब प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को सौंपा था, तो उस समय दुनिया में सामान खरीदने के मामले में हम तीसरे सबसे अमीर दोस्त हैं, तीसरे सबसे अमीर, जो मरने के कगार पे था, आज उसके आगे केवल अमेरिका और चीन खड़े हैं। आज भी हम पूरी दुनिया में जब खरीदारी की बात आएगी ना, कौन कितना खरीद सकता है, तो हम लोग कितने नंबर पे आते हैं, तीसरे, और उस समय हमारे पास खरीदने के लिए 15 दिन का पैसा बचा था। यह होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। हालांकि हम लोग उस समय 1991 में हम लोग के पास ऐसी नौबत आ चुकी थी कि वित्तीय आपात लगेगा, लेकिन बच गए हम लोग। बच गए कि नहीं बच गए, तो हम लोगों ने सही समय पर इसका उपयोग किया। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, सब हीरो के साथ, हीरो हमारे यहाँ कंपनी थी, गाड़ी उड़ी बनाती थी, ठीक ठाक नहीं बनाती, आई का होंडा से टाइप कर लो, हीरो होंडा मिलकर चलाने लगा, यहाँ पे चल दिया, बाद में हीरो भी सीख लिया, होंडा तो सीख ले था, हीरो अलग होंडा अलग,
क्या दिक्कत है, चलने लगा। मारुति सुजुकी, भारत में मारुति आने से सुजुकी आ गया, मारुति सुजुकी। मारुति का कहना था कि भाई भारत में लोग गाड़ी खरीदते हैं, कम पैसा रहेगा लेकिन गाड़ी चाहिए। मारुति का कोई, सुजुकी का कोई बात नहीं, हम इंजन बनाते हैं, तुम डब्बा बनाओ। दोनों मिला के बना दिया। आज 55% गाड़ियां मारुति सुजुकी की आती हैं। हमको लगता है इंडिया में जो भी गाड़ी खरीदता है उसमें 80% लोग शुरुआत मारुति के किसी ना किसी गाड़ी से करते हैं, सस्ते में अवेलेबल हो जाता। अब टाटा उसका मार्केट कैप्चर करते जा रहे हैं यहाँ पे, तो कंपनियां की होल्ड लग गई, हम लोग बच गए, वरना लग गया रहता मिथ्या पार, हटता ही नहीं है। उसको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ता है।